बहुत ही सुंदर क्रिस्पी पकोड़ा रेडी है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सरिता और सरिता के चैनल में आप सबको स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो देखते हैं, ब्लॉग वीडियो रेसिपी के साथ मैंने क्या क्या बनाया और फैमिली ब्लॉग भी साथ में है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल भी आगे बढ़ पाए तो आप सब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो देखना। बारिश का मौसम है तो कुछ चटपटा सब्जी बन जाए, तो मैंने चना दाल और मूंग की दाल को भिगो ली थी और लहसुन है इसमें, इसे मैं पीस लेती हूँ। और मसाले में मैंने ली है, देखिए, दो इलायची, एक लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, जीरा और ये काली मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन 6-7, तो इन सबको पीस लेती हूँ अच्छी तरीके से, उसके बाद रेसिपी बनाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट से पीस लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी हालत पानी हो चुकी है चारों तरफ आंगन में, इधर बर्तन धोकर रख दी है। और ज़्यादा अभी बारिश होगी तो और ज़्यादा हो जाएगी, घर भी डूब जाती है कभी कभी, बहुत ही मुश्किल होती है बारिश के मौसम में। ऐसी हालत हो चुकी है, देखिए कितना इतना हो गया है पानी। इधर किचन में भी पानी निकलना शुरू हो गया है, बहुत ही मुश्किल होती है। तो चलिए फटाफट से चाय वगैरह पी लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए मसाले पीस ली है, प्याज को भी काट ली, दो तेज़पत्ता और ये पेठा था, पेठा को मैंने इस तरह से पतले पतले शेप में काटी है, और एक आलू, इसमें हल्दी पाउडर, नमक, अजवाइन और काली जीरा ऐड की है। और ये देखिए मेरा जो दाल था, इसमें भी थोड़ी सी प्याज और हल्दी और नमक ऐड की है। मैं फटाफट से रेसिपी बनाने को शुरू करती हूँ। इधर कढ़ाई हो चुकी है गरम, इसमें तेल ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से फेंट ली है, अब मैं इसे तल लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा दाल लगने से हो जाएगा, क्योंकि मुझे कुरकुरा वाला चाहिए। तेल में फटाफट से कर देती हूँ। फटाफट से सारे को मैं डाल देती हूँ इसी तरीके से। पहले मैंने आलू वाली डाली है, बारिश का मौसम है तो इसीलिए थोड़ा चटपटा खाना बना रही हूँ, ताकि खाने में अच्छा लगे। एक बार में मैंने इतने सारे डाल दिए हैं, अब सब बाकी को भी मैं तल लूँगी फटाफट से। ये देखिए, तो ये देखिए मेरा एक बार का निकल चुका है बिल्कुल करकरा करकरा, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और दूसरी बार मैंने डाल कर रखी है, इसे इस तरह से हिला देती हूँ थोड़ा, तब पलटूंगी। और इधर ये फेंट कर रखी है सब्जी के लिए। इसे अब मैं पलट लेती हूँ धीरे से। पेठा और आलू की बना रही हूँ, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हूँ। ये देखिए बिल्कुल कड़कड़ी, मैं एक बच्चे को देकर आती हूँ। चलिए, कारण चला गया है इसीलिए उतना ज़्यादा पुहर नहीं है, अंधकार की तरह। लो बाबू, क्या कर रहे हो बेटू? इधर देखो, क्या कर रहे हो? पहले बताओ क्या कर रहे हो? लिख रहा है। लिख रहे हो? लो ये दिखाकर बताओ तो कैसा लग रहा है। ये देखिए सावन निकल रहा है कड़क कड़क की, अच्छा ना? देखिए कैसा लग रहा है, टेस्टी। ठीक है पढ़ाओ, हाँ मैं और बना लेता हूँ। ठीक है पढ़ाई करो, मैं जा रहा हूँ। दाल को जो मैंने पीसी हुई थी, तो ये देखिए इस तरह से मैं पकोड़े बना रही हूँ, इसकी गोल गोल शेप में पकौड़े बना लूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट होती है इसके पकौड़े खाने में। और मेरा इतना है, ये दोबारा से बनेगी, और एक बार में मैंने इतने सारे ऐड कर दिए है। तो फटाफट से इन सबको निकाल लेती हूँ बनाकर। और ये मेरा दूसरे वाली भी बनकर तैयार है, मैं इसे भी फटाफट से निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर,
सारे को मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से, तेल वापस से कढ़ाई में चला जाए। ये देखिए बहुत ही सुंदर मेरा पकौड़ा बनकर तैयार है। अब फटाफट से बनाते हैं रेसिपी। ये देखिए मैंने तेल ऐड कर दी है और गर्म हो चुकी है। इसमें मैं अब तेज़पत्ता और ये प्याज को ऐड कर दी। और ये पिसी हुई मसाले को ऐड करूंगी। पिसी हुई मसाले को ऐड कर दी है। अब इसे अच्छी तरीके से भून लेती हूँ फटाफट। और जो ये थोड़ी सी मैंने दाल रखी थी इसे भी इसमें ऐड कर देती हूँ। मसाला अच्छी तरीके से मेरा भून जाए। ये देखिए मेरी मसाले बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भून चुकी है। कढ़ाई में बिल्कुल चिपक नहीं रही है, बहुत ही सुंदर। अब मैं इसमें ये उबले चने ऐड करती हूँ। कढ़ी को मैंने ऐड कर दी, देखिए जो दाल का पानी था उसे। अब इसे उबाल आने देते हैं फटाफट से। मसाले का जो पानी था इसमें पानी ऐड की थी, जो दाल का पानी था, ये अच्छी तरीके से उबल रही है। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से। अब मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड कर दी। अच्छी उबाल आ रही है देखिए। अब मैं इसमें ये पकोड़े तल कर रखी थी इसे ऐड कर देती हूँ। ये मेरी खुद की स्टाइल की है पकोड़े वाली रेसिपी। बहुत तरीके से बनाती हूँ पर ये कुछ अनकमन है। गरम मसाले वाले पकोड़े वाले रेसिपी। अब मैं इसे ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। ये देखिए मेरा बहुत ही सुंदर पकोड़े वाली सब्जी बनकर तैयार है। इसमें एक दो दाल भी आएगी साथ साथ तो खाने में अच्छा लगेगा। ये देखिए अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और ठंड होने के देती हूँ और ये डांट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर देखिए कलर के साथ मेरा ये दाल पकौड़ा बनकर रेडी है। अब मैं इसे थोड़ा सा दे देती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर सब्जी। ये देखिए हम सब ने खाना निकाल ली है। ये देखिए मेरे पकोड़े की सब्जी बहुत ही सुंदर। ये देखिए और इधर ये खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मस्ती माइंड ब्लोइंग। और बाबू बैठा है, बाबू को भी खिला दूंगा। अच्छे से बैठो, मैं बाबू को भी खिला दूंगा। इधर आओ सामने आ जाओ। अच्छा लो निकाल जी, इधर भी खिला देते हैं। और ये पकौड़ी खुद से खाना है बाबू, ये पकौड़ी खुद से खाना। तो कैसा लग रहा है आप सबको रेसिपी? अच्छा। मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से। बहुत अच्छा लग रहा है बोल रहा है।
सो फ्रेंड्स, हम सब ने रेडी हो लिए हैं। आज सैटरडे है तो सैटरडे को हम सब सत्संग जाते हैं, तो सत्संग जाएंगे और बाबू भी रेडी होकर बैठा है। ये देखिए क्यूट सा लग रहा है मेरा बाबू। तो हम सब अभी सत्संग चलेंगे, तो चलिए सत्संग जाते हैं। उसके बाद शाम की रेसिपी शुरू होगी। क्या बनाऊंगी, क्या खाऊंगी, दिखाऊंगी आप सबको। चलो बाबू, बाय बाय। बाबू बाय बाय दे दो। बाबू गुस्सा होकर बैठा है, बाबू को पिटाई हुआ है आज। कौन पिटा बाबू को? ये देखिए बाबू कैसे बैठा है। कौन पिटाई किया बाबू को? क्यों पिटाई किया बाबू?